हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल घर की रसोई एंड टिप्स एंड ब्लॉग में। तो फ्रेंड, आज हम लेकर आ गए हैं गांव के तरीके से पटुआ के साग का रेसिपी, जो कि एकदम खाने में स्वादिष्ट और हेल्दी होता है फ्रेंड। तो हम झारखंड के स्टाइल में देसी तरीके से मिट्टी के चूल्हे में पटुआ का साग बनाकर बताएंगे फ्रेंड, जो कि बनाना एकदम आसान होगा और हेल्दी के साथ साथ स्वादिष्ट भी होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। तो वीडियो शुरू हो गया है फ्रेंड, आप देख सकते हैं इस तरीके से पत्ते लेना है। पत्ते के बीच में जो रेशा होता है उसको निकाल लेना है इस तरीके से। 1 kg पटुआ का साग तो हम लोग गांव में सब कोई मिल के कर रहे हैं। इस तरीके से क्या होता है कि जल्दी से इसके रेशे निकल आते हैं फ्रेंड, अकेले बहुत टाइम लगता है। तो घर में जो भी हो सबके साथ मिलकर बहुत जल्दी से इसके रेशे निकल आता है। पत्ते के बीच में जो मोटा डंठल वाला रेशा होता है ये निकाल कर बनाने से तभी आपके साग अच्छे बनेंगे। इस तरीके से निकाल कर फेंक देना है बीच वाला डंठल, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, हम इधर कढ़ाई ले लिए हैं। तो कढ़ाई में हम 1 चम्मच सरसों तेल डालेंगे। तेल को अच्छी तरह से पूरे कढ़ाई में फैला लेंगे। उसके बाद हम पटुए के साग को अच्छी तरह से धोकर दोनों हाथों की सहायता से पानी को निचोड़ लेंगे। उसके बाद कढ़ाई में डाल लेंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड, हम सारे साग को अच्छी तरह से धो लिए हैं, पानी निचोड़ लिए हैं, उसके बाद हम कढ़ाई में डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, इससे क्या होगा कि साग अच्छी तरह से गल जाएगा जल्दी से नमक डालने से। तो अब हम चूल्हा जला दिए हैं फ्रेंड, मिट्टी के चूल्हा में बना रहे हैं, तो चूल्हे में रख दिए हैं। तो फ्रेंड, अब हम कलछी की सहायता से अलटते पलटते हुए अच्छी तरह से ऊपर नीचे कर देंगे, ताकि अच्छी तरह से गल जाएगा ये पटुआ का साग। फ्रेंड, खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है और हेल्दी होता है। तो आप देख सकते हैं नीचे का गलने लग गया है। तो इस तरीके से ऊपर नीचे कर लेना है। तो अच्छी तरह से ऊपर नीचे करके मिला दिए हैं। तो अब हम ढककर पकाएंगे सॉफ्ट होने तक पटुआ के साग को। अब फ्रेंड, मिट्टी के चूल्हा के खाने का स्वाद ही कुछ अलग होता है। तो 2-3 मिनट पकने के बाद हम उघार कर चलाएंगे इस तरीके से, ढक्कन हटाकर इस तरीके से। तो फिर से ढक दिए हैं, फिर से 2-3 मिनट हो गया है, साग पक गया है। इसमें पानी नहीं डाले हैं फ्रेंड, बिल्कुल भी पानी नहीं डाले हैं। तो अब साग को चेक करके देखेंगे। साग हल्का सा नरम है और थोड़ा सा पकाना पड़ेगा। तो फिर से ढककर हम 1 से 2 मिनट पका लिए हैं फ्रेंड, साग अच्छी तरह से पक गया है, पटुआ का साग सॉफ्ट हो गया है फ्रेंड। तो अब हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे इस तरीके से, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, हम सारे साग को निकाल लिए हैं। तो कढ़ाई को धुल लिए हैं, उसके बाद फिर से हम गर्म होने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि हमको तड़का लगाना है साग में। तो कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे एकदम धुआं उठने तक। 2 टेबल स्पून सरसों का तेल डालेंगे। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो मिट्टी के चूल्हा के खाना का मज़ा ही कुछ और है फ्रेंड, एकदम हेल्दी खाना बनकर तैयार होता है। तो गांव आने के बाद कभी मिट्टी के चूल्हे में बना लेते हैं, कभी गैस में भी बना लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं तेल गरम हो गया है अच्छी तरह से। तो अब हम इसमें एक चम्मच कटा हुआ लहसुन डालेंगे, दो तीन हरी मिर्ची डालेंगे। मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जितना तीखा पसंद करते हैं। दो लंबे स्लाइस में कटे हुए बड़े साइज का प्याज डालेंगे। सबको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे चलाते हुए। दूसरे साइड हंडी में चावल चढ़ा हुआ है फ्रेंड, आप देख सकते हैं। ये खाना मेरे मायके में बन रहा है मिट्टी के चूल्हा में। मम्मी के घर में प्याज को चलाते हुए अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, प्याज गोल्डन ब्राउन होने लग गया है। हल्का सा और भूनेंगे। एकदम करारा क्रिस्पी पटुआ का साग बनकर तैयार होगा फ्रेंड। तो अब हम पटुआ के साग को डाल देंगे, उसके बाद अच्छी तरह से मिलाएंगे। एकदम पूरे कढ़ाई में फैलाकर पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से क्रिस्पी पटुआ का साग बनकर तैयार हो खिला खिला। इसको ढकेंगे नहीं फ्रेंड, बिना ढके पकाएंगे इस तरीके से, और बीच बीच में चलाते रहना है साग को। जब तक अच्छी तरह से क्रिस्पी साग नहीं बनकर तैयार होगा तब तक चलाते हुए पकाते रहना है। बीच बीच में चलाना है, लगातार नहीं चलाना है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं साग हमारा क्रिस्पी हो गया है। आप देख सकते हैं साग का कलर चेंज हो गया है। तो फ्रेंड ये साग खाने में बहुत टेस्टी और हेल्दी होता है। तो चलिए फ्रेंड गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं पटुआ के साग झारखंडी स्टाइल में। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड कि आपको देसी तरीके से हेल्दी पटुए के साग की रेसिपी पसंद आया होगा। फ्रेंड अगर पसंद आया होगा तो आप अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। और आप इस पटुए के साग को दाल चावल पूरी पराठे चपाती किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।